हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, मैं निकिता चौहान आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके रेडी हूँ। आज हम बात करेंगे पार्ट 12 के बारे में। सो जो ये जो पार्ट 12 है ना, ये डेफिनेशन देता है। किसकी डेफिनेशन? स्टेट की डेफिनेशन। ये स्टेट की डेफिनेशन देता है जो डेफिनेशन पार्ट 3 में यूज़फुल है, जो डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स के अंदर यूज़फुल है। मैं काफ़ी सारी बार ये वर्ड यूज़ करूँगी, स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शुड नॉट दिस, स्टेट शुड नॉट दैट, स्टेट को ये नहीं करना, स्टेट को ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्टेट ये करेगा तो ये होगा। ये वर्ड मैं फंडामेंटल राइट्स में कई बार बोलूँगी। तो मैं क्या, हर कोई इंसान बोलेगा क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में लिखे हैं तो सब बोलेंगे ही। तो इस वर्ड का जो मीनिंग है ना, स्टेट, इसका मतलब क्या है, ये बताता है आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या बताता है? आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन क्या है स्टेट की, और ये डेफिनेशन खाली पार्ट 3 के अंदर वैल्यूबल है। सो ये डेफिनेशन क्या है, चार चीज़ें याद रखना। ठीक, पहले तो यूनियन लेवल पे, मतलब केंद्रीय लेवल पे अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर को सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों सेंट्रल लेवल की, पहली ये, उसे हम स्टेट में काउंट करेंगे। सेकेंडली जो स्टेट होते हैं, गुजरात महाराष्ट्र ऐसे, उन स्टेट लेवल की जो लॉ मेकिंग बॉडी है जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, और दूसरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो दोनों भी स्टेट के अंदर आएंगे। और थर्डली जो इंडिया की लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो, जैसे कि म्यूनसिपालिटी, पंचायत, और लास्टली जो अदर लोकल अथॉरिटीज़ हो गए जैसे LIC एक बैंक कंपनी है, ONGC एक पेट्रोल कंपनी है, पेट्रोल डीजल ऑयल की कंपनी है नॉर्मली। तो ये सारे आ जाएंगे स्टेट की लिस्ट में। पहला यूनियन के लेवल पे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव हैं वो, फिर दूसरी सेंटर के लेवल पे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं वो, और थर्डली म्यूनसिपालिटी, पंचायत जैसी अदर लोकल बॉडीज़, और लास्टली और सारी जो अदर लोकल बॉडीज़ हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि LIC और ONGC। ठीक है, ये सारे आते हैं स्टेट की डेफिनेशन में। मैं LIC और ONGC जो एग्ज़ाम्पल दिए ना, खाली दो ही दिए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, और म्यूनसिपालिटी, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारी आ जाती है उसी में, एटसेट्रा ऐड कर लेना आप। ठीक है, तो ये होती है स्टेट की डेफिनेशन जो हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। सो ये छोटा है बट इतना ही है, आर्टिकल 12 इतना सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।